भाइयों, आज आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं हम अच्छी अच्छी जगह। तो चलते हैं आज घूमने। अपना ये एरोप्लेन खड़ा हुआ है, चाबी लगा और हेलमेट रखा है। तो आज आपको बहुत ही अच्छी जगह घुमाने वाले हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर। बने रहिए हमारे वीडियो पर। जय श्री राम। चलिए भाइयों, हम आ गए हैं इस वक्त टीकमगढ़ के आगे। हमारे साथ देखिए अंकित भाई पानी पी रहा है, मौसा जी भी हैं। तो हमारी गाड़ी ये है बहुत गर्म हो गई है, तो इसीलिए थोड़ी ठंडी पड़ जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आज जा रहे हैं भीमकुंड, तो आपको नज़ारा दिखाएंगे। एमपी में है जो भीमकुंड। तो चलते हैं आगे की ओर इसी प्रकार। आइयो, हम आ गए हैं इस वक्त बलदेवगढ़। आपने सुना होगा कि आप कुछ बात पे कहते हो कि बलदेवगढ़ की तोप मार देंगे। ये वही किला है, सामने नज़र आ रहा है आपको। ये वही किला है जो यहाँ पे ही बलदेवगढ़ की तोप है, उसे बलदेवगढ़ की तोप के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे मौसा जी हमारे साथ आए हुए हैं, अंकित भाई ड्राइवर के रूप में हेलमेट लिए हैं। तो देखिए आप, बलदेवगढ़ की तोप आप दूर से देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम पूरी अंदर तक नहीं जाएंगे, थोड़ी और आगे जा रहे हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर। बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। जय श्री राम। ये देखिए भाइयों, ये है बल्लेवगढ़ का, यानी बल्लोगढ़ का जो किला है। इसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, कहावत में कहते भी हो कि बल्लोगढ़ की तोप नहीं है। तो ये बल्लोगढ़ का सीन दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे आगे बाजार है बल्लोगढ़ का। हमारे अंकित भाई गाड़ी भांज रहे हैं। हमारे साथ हमारे मौसा जी बड़े ही मनमोहक स्टाइल में बैठे हुए हैं। ये देखिए मुड़घरों पहने हुए हैं अंकित। तो बहुत अच्छा है कि बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए कभी। तो आ गए हैं हम इस बल्लोगढ़ के नज़दीक, नहीं बल्लोगढ़ ही आ गए हैं। तो चारों तरफ देख सकते हो मार्केट झलाझल खुला हुआ है। तो हम और भी आपको आगे की इसी तरह का वीडियो बताते रहेंगे। हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और अच्छी अच्छी जगह का आनंद लीजिए। चलते हैं और आगे की ओर। जय श्री राम। तो बहुत दूर लग रहा है हमें यहाँ पे भीमकुंड जाने के लिए। हम लोग चौराहे से थोड़ी आगे आ गए हैं। यहाँ से लगभग लोग बता रहे हैं 30 किलोमीटर दूर है। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ का जो सुंदरता है मन को बहुत ही भा रही है। यहाँ की सुंदरता, जंगल वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। यहीं रहने का मन कर रहा है लेकिन रह नहीं सकते, अभी बहुत काम बाकी है आपको वीडियो देना कि कहाँ कहाँ जाएँ। बहुत अच्छा मन कर रहा है। यहाँ पे हम यहाँ से थोड़ी ही दूर रह गया, लोग बता रहे हैं 30 किलोमीटर दूर जाना है भीमकुंड। और हमारे साथ ये लोग और हम भी बहुत पूरी तरह थक गए हैं बैठे बैठे गाड़ी पे अपनी विक्रांता से। लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी भी दम मार रही है, हम लोग दम मारेंगे, आपको वीडियो ज़रूर दिखाएँगे। चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं। तो हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। अंकित आप आगे देखना, तो मोड़ बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे हमारे मौसा जी बैठे हुए हैं, बहुत थकान में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चाय पिलवाएंगे आगे जाके और दर्शन भी कराएंगे। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। देखिए आप, कितना अच्छा मौसम है यहाँ, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सभी गम को भुला दीजिए और हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। चलते हैं आगे की ओर। हम धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं इस जंगल क्षेत्र में, कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। देखिए आप चीरते हुए हम लोग बढ़ते जा रहे हैं धीमे धीमे और देखते। आप देखेंगे हम आज आपको भीमकुंड के दर्शन कराएंगे। और देखिए ये मोड़ कितनी अच्छी मोड़ है, पेट्रोल भी आप बचा सकते हो यहाँ आगे। तो स्लो चलना के भैया, बिल्कुल स्लो। ये लीजिए एक और मोड़, आप देख सकते हो। वाह क्या मन है, चले चलो सारथी, रथ को हाँकते चलिए। धड़कने चलने दो क्योंकि पेट्रोल बचेगा। जिस प्रकार जल ही जीवन है, उस प्रकार इस गाड़ी का पेट्रोल जीवन है। तो देखिए एक मानव आ रहे हैं बहुत स्पीड में आगे से, लाइट जलाते हुए, उन्हें कम दिख रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ देखिए कितना अद्भुत लग रहा है। वाह, छा गए अंकित भाई, अच्छी जगह है। हम यहाँ पे जंगल एरिया है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा है, एक दो गिनती की गाड़ी जा रही हैं और उसमें हम भी शामिल हैं। तो कुछ ही समय में हम इमिलिया पहुंच गए हैं। थोड़ी और रह गया है यहाँ से, लगभग 25-30-25 किलोमीटर दूर रह गया है यहाँ पे। तो देखते हैं हम आपको और भी आगे की वीडियो बताएँगे। चलते हैं आगे की ओर। जय श्री राम। बहुत ही अच्छे जंगल है, आप यहाँ पे आइए।
वहाँ पे पुष्पा 2 की शूटिंग कर सकते हो आप, बहुत ही अच्छा है, पुष्पा 2 की शूटिंग बहुत होगी, अच्छी होगी। आहा, क्या क्या बढ़िया, देखो जानवर चल रहे हैं, वाह, मन को प्रसन्न कर रहे हैं, आपके जो सीन हैं, दृश्य हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपको बता दें बहुत ही शानदार जंगल है, ये जानदार जंगल है, यहीं से गुजरे थे हमारे भीम जी, आपने भीम का नाम सुना होगा महाभारत में, हम वहीं के क्षेत्र में जा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे भीम कुंड है। अभी हमने यथार्थ जाना तो नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए आपको जितना बताएं उतने में ही आप खुश रहिए और हमें भी खुशी दीजिए। तो चलते चल रहे हैं, क्या मस्त आगे मोड़े हैं, और इन मोड़ों को चीरते हुए हमारे अंकित भाई गाड़ी सही से अभी चला नहीं पाते, सीख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, यहाँ कोई भीड़ नहीं है, थोड़ी और रह गया है, आगे बढ़ रहे हैं बड़ी ही मेहनत के साथ। ये देखिए इतनी घनी मोड़ कि गाड़ी बिल्कुल ही मद्दी हो गई। आहा, ये और मोड़, यहाँ से भाई आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, हाँ देखते हैं, और आगे चल रहे हैं हम आराम के साथ, चलते चल रहे हैं इसी साथ। एक गैया मिल गई, कोई बात नहीं, आराम से निकल गए हम लोग, अब और आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, आगे चलते चल रहे हैं। भाइयों यहाँ हम अचंभा में फंस गए हैं, यहाँ पे भीमकुंड जाने के लिए पता नहीं कौन सा रास्ता है, यहाँ पे ये तिराया मिल गया हमें, 3 रास्ता, एक यहाँ पे गई है, एक यहाँ पे, और इस एक सामने, यहाँ से तो हम लोग आए हैं, अब ये 2 रास्तों में से समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया जाए, इसलिए अब थोड़ा गूगल का भी हमारे पास व्यवस्था है, तो थोड़ा देखते हैं मैप पे, देखते हैं कहाँ से पास पड़ेगा, तो बताएंगे आपको, चल के आगे चलते हैं आगे की ओर। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि ये रास्ता कहाँ तक तो जाएगा, मतलब भीमकुंड को कौन सा रास्ता जाएगा, भैया ने बोला कि आप चले जाइए बिल्कुल सीधे, जब तक कि भीमकुंड ना आ जाए तब तक आपको बीच में कहीं नहीं रुकना, तो अब बताइए आप क्यों ना रुके यार, ये कौन सा पता हुआ बताने वाला, लेकिन कोई बात नहीं, उनके पते पर हम जरूर जाएंगे। चलते चल रहे हैं हम, बड़ी शानदार जगह है, मनमोहक जगह है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, तो चलते आगे की ओर। देखिए यहाँ का जो दृश्य कितना अच्छा लग रहा है, चलते जा रहे हैं आगे की ओर, बहुत घना जंगल है यहाँ पे, जानवर भी अच्छे अच्छे रहते होंगे, तो भीम की बहुत दूर है, अंदर जहाँ पे भीम होते हैं वहाँ पर, चलते जा रहे हैं कुछ ही 8-10 किलोमीटर दूर और रह गया, वाली है, तो चलते आगे की ओर।